श्री रघुनाथ जी ने पद्म 18 यूथफ बंदर सुग्रीव से मित्रता करके 18 पद्म बानर सेना को एकत्रित किया, चारों दिशाओं में बानर सेना को भेजा और चारों दिशाओं में से देखा तो लंका में कौन जाएगा, तो सभी बानरों ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिर ना आवा, श्री हनुमंत लाल जी ने सबसे पीछे श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, माँ सीता का पता लगाने में मैं समर्थ रहूं। श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को वो मुद्रिका दी, हनुमान इस मुद्रिका को ले जाना और जब सीता जी तुमको मिलेंगी तो सीता जी को ये मुद्रिका देना, तब उनको विश्वास होगा कि ये हमारे स्वामी का ही सेवक है, स्वामी का ही दूत है, नहीं तो कौन समझेगा, कोई मायावी राक्षस भी आ सकता है लंका में, हनुमान का भेष धारण करके कोई भी आ सकता है, तो सीता को ये विश्वास कैसे होगा कि मैं राम का ही सेवक हूं, इसलिए मुद्रिका ले जाओ। हनुमान जी जब प्रकट हो गए तो सीता जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हनुमान जी दो सबसे श्रेष्ठ अपनी पहचान लेके गए थे। सीता जी को विश्वास हो जाएगा ऐसा भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को अपना गुप्त संकेत बताया, सीक्रेट बात बताई, कोड वर्ड क्या था, बोले हनुमान तुम करुणा निधान शब्द कहोगे, करुणा निधान कहोगे तभी सीता जी समझ पाएंगे कि तुम हमारे शिष्य हो, सेवक हो, और ये मुद्रिका ले जाओ, ये सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। तो सीता जी को जब विश्वास नहीं हुआ तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाके अशोक पेड़ के ऊपर से वो मुद्रिका सीता जी की गोदी में डाली, वो ही मुद्रिका, उसमें श्री रघुवर राम लला का नाम लिखा था। सीता जी आश्चर्य कर रही हैं कि माया से अस रच नहीं जाई और जीत को सखें अजय रघुराई, अजय परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, राघवेंद्र कौशलेंद्र को कोई जीत नहीं सकता, वो अजय है, और ये मुद्रिका माया से बन नहीं सकती, कितना भी बड़े से बड़ा माया भी हो, तांत्रिक हो, ऐसी माया से कोई बना नहीं सकता, यहां तक कि ब्रह्मा भी उस मुद्रिका को नहीं बना सकते। तब विश्वास हुआ कि हनुमान जी मेरे स्वामी के सेवक हैं।